हेलो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं अजीजी एज फैशन डिजाइनर ZVS हस्बे हाल। तो हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले चाचा भूटा वाली वीडियोस देखी थी और हम लोग पाकिस्तानी स्टेज ड्रामास देखते हैं। ये सारे इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो होती है कि मतलब मजे आ जाते हैं। जब भी हम लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं पूरा दिन हम लोग वो डायलॉग सोच सोच के, वो पंचेस सोच सोच के हंसते रहते हैं। और सीरियसली बाग कमाल वीडियोस होती हैं कि आप अपने घर वालों के साथ, सबके साथ बैठ के उसे एंजॉय कर सकते हो। और आज की वीडियो जो है वो अजीजी एज फैशन डिजाइनर, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें भी कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में अभी तक हमने बहुत सारी फनी वीडियोस देखी हैं पाकिस्तान की और वो हमें इतनी पसंद आई है। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट होता है ना पूरी वीडियो में, वो हमें बहुत पसंद आता है क्योंकि पंच लाइन्स इतनी अच्छी होती है कि वो पूरी स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएट करते हैं कि व्यूवर्स का ध्यान एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ फनी हम सुनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाज़रीन, आज एक मर्तबा फिर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, ZVS। आज मूड ऑफ लग रहा है। जो नहीं, मैंने सोसाइटी को बड़ा डीपली स्टडी किया है। कुछ नहीं है यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का फ्यूचर। सचमुच जिस सोसाइटी को यही अंदाजा नहीं है कि नकल और असल क्या होता है, उसने फैशन डिजाइनिंग में क्या ग्रो करना है, बताओ मुझे जरा। अब ये बात कर रहे हो, 14 प्लॉट बना लिए तुमने लाहौर में। 14 प्लाट में को कब्जा ग्रुप बना के नहीं बनाए, इसी इंडस्ट्री से बनाए हैं ना, तो मेहनत की है ना, तो रिकग्निशन मिली है तो की है ना। नहीं मगर अब देखो ना क्या काम शुरू हो गया, दो दो तीन तीन महीने लगा के, एक एक टांका लगा के तो नया डिजाइन में बनाता हूँ। एक तखलीक होती है यार, क्रिएशन कोई छोटा काम नहीं है। एंज करके नकल कर दे, अगला 1400 वही मेरा 8000 सूट कट के मार्केट से वो मार, और लोगों को भी पता नहीं चलता। मैं हैरान होता हूँ, इतना नहीं पता चलता कि ये बेवकूफ अगर 8000 का बेच रहा है तो कोई वजह ये और कोई सूट नाल केले तो नहीं लगे। तुम्हारा लबो ले जाए इतना नरमो नाजुक है, दूसरी तरफ तुम्हारा जुस्सा जो है वो कबड्डी स्टार बिन्यामिन जैसा। क्या डिजाइनिंग पे बात करनी है या मिनी जुगता करनी है? सही बात है, दोनों साथ साथ चलेंगे ना। साथ साथ ना ना चलाओ, नकल तो असल साल साथ चलान गए तो बेड़ा गर्क हो गया ना असल दा। फिर मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों को क्या हो जाता है, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये नकल है, बुरा लगता है, नहीं पहनना चाहिए, असल असल होता है। ये जो एक सूट एक ही फंक्शन में पहनने का रिवाज जो पड़ गया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। लोग कहते हैं जो 1400 को पहन लो एक दफा ही तो पहनना, जरूर 8000 का लेना है। एक एक टंका जो है ना वो खूने जिगर से लगाना पड़ता है, जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या काम हुआ हुआ है। ओ पावे 1400 दा पाल वे ते पावे 1400 रुपये दा पाल। एक एक टांका खूने जिगर से, यार तू सूट सीना या दाग दहल भी दी गजल लिख रहा। देख लो जावे तू चमचूंदर दा हबी। ओ जे मैं तेरे कहंदे एक एक चुन के मारांगा, यही ZVS सर तुसी भी कठे टांके ला लिया करो, एक एक करके क्यों ला दे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये शिकवा बहुत हद तक बजा है कि तुम लोग मेहनत करते हो और लोग तुम्हारे डिजाइन कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो एक फैक्ट है ना कि तुम लोग आपस में भी एक दूसरे के डिजाइन चोरी करते हो। ये बात जुनैद साहब कोई भी चोरी करे या कुछ सस्ता सूट बनाने वाले, बेशक एक स्टैंडर्ड के जो डिजाइनर है वो एक दूसरे का डिजाइन चोरी करे, मैं कहता हूँ इसमें कोई कानून बनना चाहिए, कोई ऐसी ला में कि खुदा दा वास्ते तेरा हाथ पैंदा करवा दे। ZVS आप ऐसा कहना चाहते हैं जैसे जुमला हकूक महफूज हो। ताड़ी डब्बियां ली धोती ते त्रीजां ले कुर्ते दा जुमला हकूक महफूज ये तुसी ना विच बोलो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम भी इस इल्जाम की जात से तो नहीं बच पाए ना, जो तुम्हारा लास्ट ईयर जो सुपर डुपर हिट डिजाइन था वो पेरिस के एक डिजाइनर का चोरी किया था तुमने। आपको किसने कह दिया मैंने चोरी? अखबारात में छपा था। अब अखबारात वाले जो है ना वो, अब मैं क्या कहूँ, बैठे हुए मैं उठे हुए जिसे तुझे पढ़ के मैंने कुटन लग गया। किसी की बात ना सुने तो खिलाफ खबर लगा देते। ZVS नहीं सूट बेचते, तो उसी शीशे वाली पखियां बेचनिया शुरू कर दो, वो भी डिजाइनिंग ची आंदे। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ये जड़ी एनकली पेंडक से ना जरूर कोई ना कोई शोखी गल कर दी। तुम्हें आइडिया दे रहे,
अपनी तरफ से तुमने बड़ी बेइज्जती वाली बात की है। ये भी एक डिजाइनिंग होती है, जाके पूछो जो करते हैं ये डिजाइन। और तेनू तो शीशे वाली पक्की तां पसंद है कि तेरा पक्की वाले शीशे च भी मुंह पूरा आ जाए। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की चोर बाजारी से। मैं तो सोच रहा हूँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दूँ। मैं कहना थे एडे बड़े मुच्छा ले होंगे भाई, प्रॉपर्टी डीलिंग फैशन डिजाइनिंग से प्रॉपर्टी डीलिंग। किसी को कब्जे वाला प्लाट ले दिया तो दो साल के लिए अंदर हो जाओगे। ऐसे मदरे दे मुंह कदी चंगी गल निकलेगी। राजेश खन्ना वाला पाया हुंदा है, गुफ्तगू दी चाचे खन्ने वाली हुंदी। कुछ भी आ सकता है। क्या बताऊं, ये जो डिजाइन चोरी करने वाले इतने तेज हैं, इतने तेज हैं। अभी मैंने पिछले महीने फड्डा डाल लिया एक डिजाइनर से। अच्छा। मैंने कहा ये मेरा डिजाइन है, ये तुम जरूरत कैसी हुई तुम्हारी कि तुमने उसी तरह डिजाइन कर लिया है। बड़ा प्यारा मैंने डिजाइन बनाया था, मैंने मोतियों की ना ऐसे माला सी बनाई ऊपर। अच्छा। राइट टू लेफ्ट। अच्छा। तो मैं उससे बहस कर रहा हूँ तो आपको कहते हैं तुम्हारी राइट टू लेफ्ट है, मेरी लेफ्ट टू राइट। मुझे तुम्हारी डिजाइनिंग में मुझे ट्रेडिशनल टच होता है ना, बहुत अच्छा। वो तो तुम्हारी बात ठीक है मगर ट्रेडिशन ही हमें ले बैठी। अजीब रिवाज निकल आया जो इनी। पहले ये होता था कि साल में दो दुल्हन भी ले जाती थी ना आगे लिबास दुल्हन वाला, तो ठीक हो जाता था। अब अजीब सी ट्रेडिशन बनती जा रही है कि जी मैंने अपनी माँ की शादी का पहना हुआ सूट ही पहना, टिड्डियां टूक गई हैं। नहीं जी ये फखर से बताना है, ये मेरी माँ का लहंगा था, अब मैंने भी पहना है। मैं क्या बोलूं, तू अपनी कुड़ी नु भी पुआ ले। तुम कहते हो कि हमारी सकाफत नजर आनी चाहिए, तो ये कल पे बैठे हैं ये ट्रेडिशन को लेके। केड़ी सकाफत है जिदे डिजाइनर नु टकाना बचे। हम हर सीजन में वेडिंग ड्रेस बना बना के अपनी आउटलेट भरी होती है हमने। खरीदने के लिए आता कोई नहीं, अम्मा दा लहंगा पा लिया, अम्मा दा लहंगा पा। मैंने तो एक शादी पे दुल्हन को सबके बीच में कह दिया, मैं क्या अम्मा दा लिबास पा ली ने, तो नानी दी सोटी भी पाड़ लै। अच्छा जीविया साहब टेंशन ना ले, आप मेरे कुछ कुर्ते जो ना डिजाइन कर दें, मैं नई सीरियल कर रहा हूँ। सीरियल ताड़ी एनिमल चैनल से चल रही है, नई सीरियल कर रहे ने दरबार दा पागल मलंग। पागल मलंग मेरे को उतरिया, मैनू की लभना है? आप तो सिरे सिरे अपने थड़े ते बैठ के कच्चे गोंगलू खान डिया उन्ने। क्या बात है यार, आप अपनी अखां नाल देखिया है। मैं क्या भी एक ही करंट है, कहते फाइबर ले रहा हूँ। फाइबर मैं क्या हो जाए, फाइबर तो गावां दी खुरलियां च पिया हुंदा है। कुर्ते डिजाइन कर दे, साथ साथ आठ आठ हजार का मैं कुर्ता बनाता हूँ। 8,000 का कुर्ता, तेरे कुर्ते नु हैंडल लगा हुंदा है। देखा जूनी, इन्हू मैं कहना कुछ नहीं, मैं कोठे ते चढ़ के ना ते उत्ते छाल कट मार लिया। कूल कूल, टेंशन क्यों लेते हो? मैंने सुना तुम लेले भी मून लेते। मून लेते दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इंतहाई खतरनाक और अफसोसनाक बात यह है कि इस दफा हमारे मुल्क के अंदर एक दिन में 5 केस पोलियो के सामने आए और एक महीने में 17 केस। मजेदार गुफ्तगू होती है इनके बीच। अच्छा जी, कल एक वाकया देखा अपनी आंखों के सामने, इसलिए उसको लाइमन जिक्र कर दूं। जी जी। ये जो 1122 है, ये चौधरी परवेज लाही हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता है, क्योंकि ये बड़ी कामयाब सर्विस है जी। और बड़ा अच्छा ये पहुंचते हैं सही में। मगर पता नहीं क्यों, किस लिए, किसने ये इंतहाई बेवकूफों वाला वहां पे तरीका कार बना दिया है। ये जो मोटर बाइक निकली है एम्बुलेंस मोटर बाइक, पहले कहा ये गया था कि ये अंदरून शहर में जहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती ये उसके लिए बनाया गया है। अब कहीं भी खुले इलाके में भी कहीं से कोई फोन इनको करता है ना जी जी। तो ये पहले मोटरसाइकिलें पहुंचती हैं दो जी। लाजमन हर जगह पे दो ही पहुंचती हैं, एक भी पहुंचती है तो चलो पहले मोटरसाइकिल पहुंचती है, फिर उधर जाके तो पता चलता है जी ये मरीज जो है इसको लेके जाना पड़ेगा, तो मोटरसाइकिल पे ये नहीं जाने वाला,
फिर वो उधर बैठ के नुक्कड़ में वो मोटरसाइकिल वाला मोटर बाइक वाला फोन करता है, फिर पीछे से कोई 5-7 मिनट लगा के एम्बुलेंस आती है। अगर तो आपने बचत की नीयत से ये काम किया तो फिर भी आपने इंतहाई जाहिलों वाला काम किया। हर जगह पे पहले मोटरसाइकिलें जाती हैं, फिर एम्बुलेंस जाती है। मोटरसाइकिल तो कहीं कहीं पे काम आती है, अगर एम्बुलेंस ही दोबारा आनी है तो फिर बचत आपकी किस चीज की हुई, बल्कि आपका तो पेट्रोल ज्यादा लग गया। टाइम भी इसमें पेट्रोल स्ट्रॉल बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इंसान देखना चाहिए। एयर एम्बुलेंस भी तो लोगों ने रखी हुई है ना कई मुल्कों ने, तो वो फौरी तौर पे वहां पे, यहाँ पे तो अमीर या तगड़ा बंदा या हाकम जो है उसके अलावा मरीज जहाज में बैठ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो अगर चलो आपने ये एक अच्छा इकदाम किया था, ये अच्छी एक एम्बुलेंस सर्विस बनाई थी, तो उसका बेड़ा गर्क ना करें फजूल किस्म का। वो मैंने क्या देखा कि वो बंदा बेचारा सीढ़ी से गिरा हुआ था और उसके कमर पे बड़ी शदीद चोट आई हुई थी, शायद उसका को मोरा शोरा बेचारे का अल्लाह ना करे हिला हुआ था। उसको हाथ भी लगाते थे तो वो चांगड़े मारता था, चीखता था। क्या बात है यार, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। ये जो फैशन डिजाइनर थे ZBS, इनके बारे में हमें यहाँ से पता चला कि एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर है, और जो वो बातें कर रहे थे मतलब इतनी मजेदार, और इतने ज्यादा परेशान थे कि आजकल जो कॉपीज होने लगी, कॉपी तो हर जगह पे हो रही है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स एडिडास प्यूमा और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन सबकी कॉपी होने लग गई है, तो डिजाइनर्स के कॉपी करना तो बहुत आसान बात है। और एक बात इन्होंने पीछे बहुत अच्छी बोली कि आजकल जो रिवाज हो गया कि तुम्हें हर शादी पे हर फंक्शन पे नया कपड़ा पहनना है, तो कौन लेगा इतने महंगे महंगे 8,000 और 10,000। सब सोचते हैं यार 1400 वाला लो एक बार पहन के काम खत्म करो। तो बहुत ही अच्छी थी आज की वीडियो, मजा आ गया देख के। वाकई में अभी तक तो हमें ऐसा लगता था कि फैशन डिजाइनर की क्या लाइफ होती है, नहीं किस बात का गम होता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पता चला कि वाकई में उनकी लाइफ में भी एक स्ट्रगल है कि जब उनके जो है सिलेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं या वो पीस जो वो डिजाइन करते हैं जब उनकी कॉपी बनना शुरू होती है और वो भी इतने कम रेट पे, तो आई एम श्योर उनको भी बहुत दुख होता होगा। और इन्होंने जिस तरीके से आपस में गुफ्तगू की है कि मैंने तो जी राइट साइड पे वो मोती की माला बनाई थी और किसी ने मेरी कॉपी करके लेफ्ट साइड में बना ली क्योंकि वो खपचू था, तो वाकई में कन्वर्सेशन बहुत मजेदार थी। हमें तो बहुत मजा आया आज की इस वीडियो में। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।